तो गाइस, जो दिवाली अनार होता है उनके पावर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जलते हुए अनार के ऊपर हम कोई भी चीज रख दे उसे आसानी से पिघला देता है, फिर चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो। तो इसी तरह गाइस यार, आज के वीडियो में आप देख सकते हो हमारे पास दो अनार है और एक ताला है जो कि बहुत ही छोटी साइज का है। अब सोचिए, इतने से छोटे ताले के नीचे एक नहीं बल्कि दो बड़े और पावरफुल अनार में आग लगाएंगे तो इस ताले का क्या होगा? मुझे तो लगता है आज ये ताला गया क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो गाइस, जो भी हो, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले है कि इस दो बड़े अनार के ऊपर अगर हम ये ताला रख दें तो क्या होगा। तो गाइस, आज तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा सेटअप। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोहे का सलिया है वहां पर हमने ताले को इस तरह से लटका दिया है और नीचे हमने दो अनार लगा दिए हैं। अब देर सिर्फ आग लगाने की है, लेकिन इसके पहले हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो यहाँ पर बहुत आने वाले है। तो चलिए अब लगाते हैं आग और देखते हैं कि क्या होता है। आप देख सकते हो हमारा जो ताला है वो अभी भी जल रहा है। ओ माय गॉड गाइस, स्टील में आग लग गई। हमारे जो दो अनार थे उसने स्टील में आग लगा दी, अभी भी यहाँ पर आग लग रही है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सा ताला जो है हमारा वो पिघल चुका है। गाइस, कमाल का वीडियो रहा है ये। तो गाइस, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो यहाँ पर बहुत आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।